अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां नई गढ़ी क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाएं नहीं रुक पा रही। यहां तक अब बजरंगबली मंदिर में लगे घंटों को भी चोर चुरा ले गए। जब सुबह मंदिर में पुजारी पूजा करने के लिए गए तो देखे कि घंटा नहीं लगा मिला, जबकि पुजारी के द्वारा जानकारी मिली कि कई वर्षों पुराना वह पीतल का घंटा लगभग 10 किलो का था। उन्होंने अपने सरपंच को बताए और सरपंच के साथ जाकर थाने में सूचना दी गई। नईगढ़ी थाना प्रभारी के द्वारा पुजारी को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या घटना हुई आपके क्षेत्र में? हमारे देवरी से ग्राम हनुमान मंदिर के पास मंदिर में परसों रात को लगा घंटा हनुमान जी के मंदिर का चोरी हो गया, जिसको अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। आपको कब पता चला कि आपका घंटा चोरी हो गया है? हमको सुबह जब हम दोपहर में पूजा करने के लिए आए तो देखे घंटा बजाने के लिए जब हाथ ऊपर को किए तो वहाँ घंटा नहीं था। हमेशा क्या आपके आसपास चोरियां होती रहती हैं? हाँ, इससे पहले भी हमारे मंदिर से गणेश भगवान की मूर्ति और एक मंदिर के ऊपर वो जो पीतल का कलश लगता है उसको चुरा ले गए। इस तरह की छोटी मोटी चोरियां होती रहती है तो पुलिस का इसके प्रति कुछ जांच पड़ताल होती है कि नहीं होती है? अभी तक कुछ नहीं हुई थी, इसके पहले सूचना भी नहीं दी, लेकिन आज जब घंटे की चोरी की शिकायत हम पुलिस में कराए। जो घंटा आप मंदिर में लगाए थे कितना वजन का रहा होगा? लगभग 10 किलो का रहा होगा। लोहा का था कि पीतल का? पीतल का। अच्छा, जैसा कि अभी पीड़ित व्यक्ति ने बताया, मंदिर के जो पुजारी हैं जिनके द्वार पे मंदिर है उन्होंने बताया कि घंटा चोरी हो गया है। आपको कब जानकारी मिली? इसकी सूचना मुझे रोहित तिवारी कल सुबह 9 बजे के आसपास दिए। मैं भी आया था मंदिर में, देखा घंटा बहुत बड़ा घंटा पहले लगा हुआ था, घंटा नहीं है। इसके पहले भी क्षेत्र में और ख़ासकर इसी मंदिर में एक गणेश जी की प्रतिमा थी, उसको भी एक जाट चोर उठा ले गए। साथ ही शंकर जी के ऊपर एक कलश लगा हुआ था, उस कलश को भी एक जाट चोर ले गए। पता नहीं कहाँ के चोर हैं कहाँ के नहीं हैं। इस तरह की छोटी मोटी चोरियाँ इस क्षेत्र में होते रहती है, जबकि ये मेन रोड में है। पता नहीं पुलिस कहाँ देखती है कहाँ घूमती है, इसकी जानकारी नहीं है। आए दिन छोटी मोटी चोरियाँ क्षेत्र में होती रहती है। इसकी शिकायत आप थाना में किए हैं क्या? हाँ, इसकी लिखित सूचना रोहित तिवारी के द्वारा थाना नईगढ़ी में दी गई है। क्या क्या आश्वासन मिला वहाँ से? पुलिस बोली है कि ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूँ, देखिए क्या जांच होता है। क्या नाम लिखते हैं आप? दीपक कुमार तिवारी, सरपंच देवरी से। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।